हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मैप्स से या मानचित्र के बारे में। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। इसमें बात करेंगे एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में। याद रखिए, जितने भी आपके लेक्चर मैप से बनते जा रहे हैं वो सभी मैप्स के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक, अब इसमें बात करेंगे हम लोग एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्यारे एशिया को देख लें, कहाँ है इसकी अवस्थिति स्थिति, इसमें भारत कहाँ है। तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें हमारा प्यारा इंडिया, ये हमारा प्यारा इंडिया, देखिएगा, इंतजार करिए, यह प्यारा भारत। इसके नीचे श्रीलंका है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान लगा हुआ है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ठीक है, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, न्यू गिनी, ठीक है, यहाँ तक ये पूरा एशिया ही है। ठीक है, तो यहाँ ईरान, यमन, ओमान, सऊदी अरब, जॉर्डन, ठीक है, ये मिस्र तक, ठीक, फिर ऊपर तुर्की, अंकारा इसकी राजधानी है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, ठीक है, ये मंगोलिया है यहाँ, फिर ऊपर रूस लगा हुआ है, फिर यहाँ उत्तर कोरिया होगा अपना, ये ताइवान, ये ऊपर उत्तर कोरिया है, ठीक है, और नीचे दक्षिण कोरिया, ये जापान है आपका, ठीक है, नगोया है इसकी राजधानी, फिर ताइवान ये देख लिया, फिर ये फिलीपींस द्वीप है आपका, ये हांगकांग है, वियतनाम, कंबोडिया, ये सभी देख ही लिया है, ठीक है, ये हमारा एशिया, इसी में हमारा भारत है एशिया में। ठीक है, चलिए अब इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करते हैं हम लोग, कहाँ कौन किसकी अवस्थिति है कौन सी। तो एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियों की अवस्थिति, तो सबसे पहले बात करते हैं चुकची रेंज। चुकची रेंज याद रखिए इसके बारे में, रूस के पूर्वी भाग में चुकसी सागर के दक्षिण विस्तृत यह श्रेणी बेरिंग जलकुंडी के काफी नजदीक है। फिर कोरियक श्रेणी, ये कोरियक श्रेणी रूस में ही है। फिर आपकी कोलिमा रेंज, ये कोलिमा रेंज है आपकी रूस में ही है। रूस के ओखोटस्क सागर के उत्तर तट रेखा के समांतर फैली हुई एक पर्वत श्रेणी है कोलिमा रेंज, एक, ठीक है। फिर आपकी ये सरेडिनी रेंज है, सरेडिनी रेंज, इसके बारे में याद रखिए, रूस में कमचटका द्रायद्वीप में स्थित इस श्रेणी का विस्तार उत्तर से दक्षिण है। फिर है आपकी बर्कोयांस्क रेंज, ये बर्कोयांस्क रेंज है, इसके बारे में याद रखिए, यह श्रेणी रूस के साइबेरियाई भाग में लीना नदी के पूर्व से दक्षिण दिशा में फैली हुई, जिसका सबसे ठंडा स्थल बर्कोयांस्क यहीं अवस्थित है, ठीक है। फिर है आपकी चेर चेरसकी रेंज, ये चेरसकी रेंज है, ये भी आपकी रूस में ही स्थित है। कहाँ है? रूस के उत्तरी पूर्वी याकूटस्क में ओखोटस्क सागर के उत्तर एक पर्वत श्रेणी है, जिसकी सर्वोच्च ऊंचाई है, सर्वोच्च बिंदु 3,114 मीटर ऊंचा, ठीक है। फिर आपका है स्टेनेबोया रेंज, इसके बारे में याद रखिए, स्टेनेबोया रेंज के बारे में, ये पूर्व में रूस में याकूटस्क खबरोवस्क की मध्य स्थित एक पर्वत श्रेणी है, जिसका सर्वोच्च चोटी है 2,520 मीटर ऊंची है, ठीक।
है आपकी ये सिकोटी अलीन रेंज, फिर है आपकी यहाँ है फ्यूजी यामा रेंज, फ्यूजी यामा पर्वत श्रेणी, ये आपकी जापान के हुनसु द्वीप पर अवस्थित है। ठीक, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखना फ्यूजी यामा आपकी जापान के हुनसु द्वीप पर अवस्थित है, याद रखिए ये ज्वालामुखी पर्वत है। फिर आपकी नीचे है आसू पर्वत, आसू पर्वत भी आपका जापान के क्यूसू द्वीप के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ठीक, ये भी ज्वालामुखी पर्वत ही है, यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्रेटर है यहाँ पर। ठीक, फिर है आपका याबलो नो वायर वायर रेंज, ये आपकी है, इसके बारे में याद रखिए मंगोलिया के उत्तर रूस में स्थित है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है, इसका सर्वोच्च शिखर है सुखोंडो, 2192 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये भी रूस में ही आपकी स्थित है। फिर ये आपकी सयान श्रेणी है, कौन सी सयान श्रेणी, रूस में ही स्थित है, मंगोलिया के उत्तर रूस के टोबा तथा क्रायनो यार्क्स तथा इरकुटस क्षेत्र में फैला पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर है मुंकू सार्डिक, 3491 मीटर ऊंचा, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर से ये इनेसी नदी काटती है। ठीक, फिर आपका यहाँ वीरांगा श्रेणी है, ये यूराल श्रेणी है। ठीक है, तो ये थी आपकी रूस में जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। अब आते हैं नीचे अल्ताई मंगोलिया में, यह है अल्ताई श्रेणी, अल्ताई श्रेणी के बारे में याद रखना है आपको, मंगोलिया तथा चीन के सिक्यांग प्रांत की सीमा के सहारे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली एक टर्सरी युग की पर्वत श्रेणी है, यहाँ से ओग तथा इरतिस नदियां निकलती हैं, ये कुछ भाग इसका चीन में और कुछ भाग इसका मंगोलिया में। ठीक, फिर आपका यही ग्रेट खिंगन श्रेणी है, ये ग्रेट खिंगन श्रेणी है आपकी, इसके बाद में बारे में आपको याद रखना है ग्रेट खिंगन श्रेणी के बारे में, ये पूर्वी एशिया में आंतरिक मंगोलिया तथा चीन में उत्तर से दक्षिण फैली श्रेणी है, उत्तर पूर्वी चीन चीन में हेलुकियांग प्रांत में लघु खिंगन पहाड़ियां स्थित हैं। ठीक है, फिर आए आपका तो ये तेन सान है, तेन सान आपकी पश्चिमी चीन के सिक्यांग प्रांत तथा किर्गिस्तान में फैला एक पर्वत श्रेणी है, जिसका सर्वोच्च बिंदु है पोवेडा, 7439 मीटर ऊंचा। ठीक है, फिर आपका यही चीन में ही है कुन लून सान, यही आपका है अल्तुन सान, चीन में ही स्थित है ये सभी। ठीक है, याद रखिए, फिर यही क्विलियन सान, तियांग सान, ये चीन में ही है, याद रखना है आपको, दवासान, ये है नानसान, मध्य चीन में स्थित है। ठीक है, नानशान के बाद फिर आपका तंगोला, ये तंगोला श्रेणी है, ये भी चीन में ही स्थित है, याद रखना ये सभी चीन में स्थित है। फिर आपकी उलियांग शान, ये भी चीन में ही स्थित है, वही शान, ये भी चीन में स्थित है। फिर ये म्यांमार के पास आ गए, पटकाई बुम, भारत और म्यांमार के बीच। ठीक है, फिर है आपका पेगुयाम, पेगुयामा, ये भी आपका म्यांमार के ही पास है। फिर आपका अराकान योमा, ये है आपका अराकान योमा, अराकान योमा के बारे में याद रखिए,
ये म्यांमार में इरावदी नदी के पश्चिम उत्तर से दक्षिण दिशा में मणिपुर से निगेई अंतरीप तक फैली तलतरियोगीन पर्वत श्रेणी है जो हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। इसकी सर्वोच्च चोटी है सरामाटी, 3,860 मीटर ऊंची है। इसके अंतर्गत नांगा चीन तथा लुसाई पहाड़ियां आती हैं जो भारत तथा म्यांमार के बीच सीमा बनाती हैं। ठीक है, म्यांमार और भारत के बीच है। फिर नीचे आते हैं, ये आपकी अन्नाम श्रेणी है। अन्नाम श्रेणी के बारे में आपको याद रखना है, हिंद चीन के पूर्वी तट पर वियतनाम में फैला अन्नाम नामक ऐतिहासिक प्रदेश जिसमें अन्नाम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, फिर नीचे आए तो ये आपकी कार्डमम रेंज है, फिर उसके नीचे माउंट किनीबालू, फिर नीचे आए तो वारिसन रेंज, वारिसन रेंज, वारिसन रेंज के बारे में आपको याद रखना है। ये श्रेणी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। ठीक है, फिर आपका यही माउंट ब्रामा है, फिर आपका सहवानर रेंज है, ये सहवानर रेंज है, यहाँ सहवानर रेंज आपकी यह इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप में दक्षिण भाग में स्थित उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। ठीक है, इंडोनेशिया में ही यही आपका ऊपर तांबो रेंज श्रेणी है, फिर ईरान पर्वत है, इसके बारे में याद रखिएगा। ईरान पर्वत मलेशिया राज्य में सारावाक तथा इंडोनेशियाई राज्य के पूर्वी कालीमंतान के मध्य उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। ठीक है, याद रखिए। फिर आपकी ये मूलर रेंज है, नीचे मूलर रेंज है, मूलर रेंज यह श्रेणी इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ठीक है, फिर आए आपका ये माओक रेंज है। अब आते हैं भारत में, तो ये पूर्वी घाट है। ठीक है, फिर बात करते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में आपको याद रखना है, भारत पर नेपाल में स्थित यह पर्वत श्रृंखला जिसका यही सर्वोच्च शिखर स्थित है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर ऊंचा है। इसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। ठीक है, फिर आपका अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के बारे में याद रखिए, यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार दिल्ली से पालनपुर गुजरात तक है। अलवर में इसे हर्षनाथ की पहाड़ियां कहा जाता है, उदयपुर में जरगा की पहाड़ी कहते हैं। इसका स्थानीय नाम है मेवान पहाड़ियां। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर, आबू पहाड़ियों में अवस्थित है। यही विंध्य प्रदेश है, विंध्य श्रेणी है आपकी, सतपुड़ा श्रेणी है, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के बारे में आपको याद रखना है, क्या महाराष्ट्र से लेकर आपकी केरल तक विस्तृत है। ये याद रखिए, जैव विविधता से संपन्न है ये पश्चिमी घाट, और याद रखिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है पश्चिमी घाट। फिर आपका हिंदू कुश, या हिंदू कुश है पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास, फिर ये सुलेमान है, सुलेमान आपका याद रखिए पाकिस्तान में है। इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रखना है आपको, पाकिस्तान में सिंधु नदी के पश्चिम स्थित एक पर्वत श्रेणी जिसका सर्वोच्च बिंदु है तख्त ए सुलेमान, 3,441 मीटर ऊंचा है, जिसे सुलोमन की राजगद्दी या थ्रोन ऑफ सुलोमन कहा जाता है। ठीक है, फिर आपका यही किरथर है, किरथर है, किरथर भी पाकिस्तान में ही स्थित है, इसके बारे में याद रखना है आपको। यह श्रेणी पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में पुराली तथा गंज नदियों के मध्य अवस्थित है, और सिंधु नदी जो है इसके पूर्व से बहती है। फिर आपका मकरान श्रेणी है, मकरान श्रेणी के बारे में आपको याद रखना है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में फैला
पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्र है जहां खजूर पैदा किए जाते हैं। ग्वादर यहाँ का प्रमुख पतन है। ठीक, फिर है जाग्रोस, ये जाग्रोस श्रेणी है। जाग्रोस के बारे में आपको याद रखना, पर्वत के बारे में, ये दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिमी ईरान के में कई समांतर पर्वत श्रेणियों का एक क्रम है जो ईरान और इराक की सीमा के सहारे फैली है। इसका सर्वोच्च चोटी है जारडे कुहे। ठीक है, यहाँ अधिकतम पेट्रोल के भंडार पाए जाते हैं। फिर आपका ऊपर चलें तो एल्बुर्ज है, ये एल्बुर्ज है। एल्बुर्ज आपका है उत्तरी ईरान में कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई है पर्वत श्रेणी। इसका सर्वोच्च चोटी है दामावंद। ठीक है, और ये जो है मृत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। ठीक है, फिर बात करते हैं, फिर ये अरवदा श्रेणी है आपकी, फिर ये है आसिर पर्वत। आसिर पर्वत के याद रखिए, ये लाल सागर के पूर्वी तट के समांतर फैली सऊदी अरब तथा यमन की पर्वत श्रेणी है जिसका सर्वोच्च शिखर है जबल आबा। फिर आपकी ऊपर चले, ये गोलन की पहाड़ियां हैं। ठीक है, ये है काकेशस पर्वत। फिर है आपका टोरस श्रेणी, ये टोरस श्रेणी है। टोरस श्रेणी के बारे में आपको याद रखना होगा, तो रख लेना। दक्षिणी तुर्की में एक पर्वत श्रेणी है जो भूमध्य सागर के तट के सहारे स्थित है। सर्वोच्च चोटी है इसकी 3,698 मीटर ऊंची। इसमें प्रमुख दर्रा है सिली सियन ग्रेट। टारस का उत्तर पूर्वी विस्तार एंटी टोरस कहलाता है। ठीक है, फिर आपका एक और पर्वत श्रेणी बची हुई है, पॉन्टिक पर्वत श्रेणी। ये पॉन्टिक पर्वत श्रेणी है, इसके बारे में याद रखिए आप, टर्की के उत्तरी सीमा पर काला सागर तट के समांतर स्थित एक पर्वत श्रेणी है। पॉन्टिक एवं टोरस के मध्य अनातोलिया का पठार अवस्थित है। तो चलिए, ये थी आपकी एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं, अब इनकी एक सामान्य जानकारी आपको दिखा देते हैं जिससे आप पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लें आप। ठीक, इनकी अवस्थिति देख ली, अब इनके तत्व और देख लेते हैं। ठीक है, एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियों से संबंधित, तो पहले बात करते हैं अराकान योमा के बारे में। म्यांमार में इरावदी नदी के पश्चिम उत्तर से दक्षिण दिशा में मणिपुर से निगेई अंतरीप तक फैली टर्सरी युगीन पर्वत श्रेणी है जो हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। इसकी सर्वोच्च चोटी है सारामाटी, कहाँ है, 3,860 मीटर ऊंची है। इसके अंतर्गत नागा चीन तथा लुसाई पहाड़ियां आती हैं जो भारत तथा म्यांमार के बीच सीमा बनाती हैं। ठीक है, फिर है हमारी अल्टाई श्रेणी। मंगोलिया तथा चीन के सिक्यांग प्रांत की सीमा के सहारे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली टर्शरी योगीन की पर्वत श्रेणी है। यहां से ओब तथा 31 नदियां निकलती हैं आपकी। फिर आपकी आसर श्रेणी है, आसिर श्रेणी लाल सागर के पूर्वी तट के समांतर फैली सऊदी अरब यमन की पर्वत श्रेणी है जिसका सर्वोच्च शिखर है जबल आबा। ठीक है, आसो पर्वत जापान के क्यूसू द्वीप के मध्यवर्ती भाग में स्थित 1,592 मीटर ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्रेटर है। ठीक, फिर आपका अन्नान पर्वत हिंद चीन के पूर्वी तट पर वियतनाम में फैला अन्नान नामक ऐतिहासिक प्रदेश है जिसमें अन्नान पर्वत श्रेणी है 2,608 मीटर ऊंची है। फिर आपका एल्ब्रुज पर्वत उत्तरी ईरान में कैस्पियन सागर की दक्षिणी तट पर पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली एक श्रेणी है। इसका सर्वोच्च चोटी है दामावंद, 5,601 मीटर ऊंची, जो मृत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। इसकी उत्पत्ति भी टर्सरी युग युग में हुई थी। फिर है कोलिमा श्रेणी, रूस में ओखोटस्क सागर के उत्तर तटरेखा के समांतर फैली एक पर्वत श्रेणी है। फिर बात करते हैं हम लोग ईरान पर्वत। आपको ईरान के बारे में याद रखना है, ईरान पर्वत के बारे में, क्योंकि लोग ईरान पर्वत पूछते हैं इसकी अवस्थिति, तो लोग लगा देते हैं ईरान, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि ईरान में होगा, ईरान पर्वत है,
लेकिन आपको याद रखना है स्पेशल, मलेशिया, मलेशियाई राज्य सारावाक तथा इंडोनेशियाई राज्य पूर्वी कालीमंतान के मध्य उत्तर दक्षिण दिशा में फैली एक पर्वत श्रेणी है जिसका सर्वोच्च चोटी है 3048 मीटर। फिर आपका टोवा काकर श्रेणी है, पाकिस्तान में क्वेटा नगर से अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के सहारे फैली पर्वत श्रेणी है। फिर है चिर सकी पर्वत, रूस के उत्तरी पूर्वी याकू टस्क में ओखोट टस्क सागर के उत्तर एक पर्वत श्रेणी जिसका सर्वोच्च बिंदु है 3114 मीटर ऊंचा। फिर बात करते हैं चिन पर्वत, म्यांमार की पश्चिमी सीमा का एक राज्य जहां टसरी युगीन पर्वत है जो 1942 से 44 में जापान मणिपुर युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, चिन पर्वत, ठीक है याद रखना। फिर है जागरूस पर्वत, दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी ईरान में कई समानांतर पर्वत श्रेणियां का एक क्रम है जो ईरान इराक सीमा के सहारे फैली हुई है। सर्वोच्च चोटी जारडे कुहे 4549 मीटर ऊंची है। ईरान के अधिकतम पेट्रोलियम के भंडार इस पर्वत की पश्चिमी ढलान पर हैं। फिर टांगकूला सान तिब्बत में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली एक पर्वत श्रेणी है जिसका जिसके उत्तर में कुनलून सान तथा दक्षिण में न्याय गैन तांगला सान श्रेणी स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई है 6097 मीटर। फिर टानुओला मंगोलिया की उत्तरी पश्चिमी सीमा के सहारे स्थित एक पर्वत श्रेणी है। फिर टोरस श्रेणी दक्षिणी तुर्की में एक पर्वत श्रेणी जो भूमध्य सागर के तट के सहारे स्थित सर्वोच्च चोटी है इसकी 3698 मीटर ऊंची। इसका प्रमुख दर्रा है सिली सीएन गेट। टारस के उत्तर पूर्वी विस्तार को एंटी टूरस कहते जाते हैं। फिर तेनसान पश्चिमी चीन में सिक्यांग प्रांत तथा किर्गिस्तान में फैला एक पर्वत श्रेणी जिसका सर्वोच्च बिंदु है पोबेडा 7439 मीटर ऊंचा। नानसांग मध्य चीन में सिंघाई तथा कांसू प्रांत के मध्य स्थित एक श्रेणी है जिसका औसत ऊंचाई है 6097 मीटर ऊंची। फिर आपकी पोंटिक श्रेणी है, टर्सरी टर्की की उत्तरी सीमा पर काला सागर तट के समांतर स्थित एक पर्वत श्रेणी है। पोंटिस एवं टोरस के मध्य अनातोलिया का पठार अवस्थित है। फिर बात करते हैं ग्रेट खिंगन पर्वत, पूर्वी एशिया में आंतरिक मंगोलिया तथा चीन में उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली है श्रेणी। उत्तर पूर्वी चीन में हेलुकियांग प्रांत में लघु खिंगन पहाड़ियां स्थित है। फिर आपकी मकरान श्रेणी पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में फैला पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्र जहाँ खजूर पैदा किया जाता है। ग्वादर यहाँ का प्रमुख पत्थर है। याबलो नाय पर्वत मंगोलिया के रूस में दक्षिण पश्चिम के उत्तर पूर्व दिशा में फैली एक श्रेणी है जिसका सर्वोच्च शिखर है सुखोंडो 2192 मीटर ऊंचा। सयान पर्वत मंगोलिया के उत्तर रूस के टोबा क्रासनो यार्क्स इरकोटस क्षेत्र में पहला पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर है मुंकू सार्डे 3491 मीटर 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर से एनएसी नदी काटती है। फिर आपको स्टेनो वाय पर्वत पूर्वी रूस में याकूटस्क व खबरोवस्क की मध्य स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिसकी सर्वोच्च चोटी है 2520 मीटर ऊंची। सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान में सिंधु नदी के पश्चिमी पश्चिम स्थित एक पर्वत श्रेणी जिसका सर्वोच्च बिंदु है तख्त ई सुलेमान 3441 मीटर ऊंचा है, जिसे सुलोमन की राजगद्दी है थ्रोन ऑफ सुलोमन कहा जाता है। फिर है बर्खोयांस करें यह श्रेणी रूस के साइबेरियाई भाग में लीना नदी के पूर्व उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला है। विश्व का सबसे ठंडा स्थल बर्खोयांस यहीं अवस्थित है, ठीक है। फिर आपका चुक्सी श्रेणी रूस के पूर्वी भाग में चुक्सी सागर के दक्षिण विस्तृत एक श्रेणी बेरिंग जलसंधि के काफी नजदीक है। फिर फ्यूजी यामा जापान के हुनसुई द्वीप पर अवस्थित एक पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। फिर आपका मूलर रेंज
यह इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। सहवानर रेंज, यह श्रेणी इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप के दक्षिण भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। फिर वारिसन रेंज, ये इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत है। फिर आपका किरथर श्रेणी, यह श्रेणी पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में पुराली एवं गज नदियों के मध्य अवस्थित है। सिंधु नदी इसके पूर्व में से बहती है। फिर सरेडनी रेंज, रूस में के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित एक श्रेणी का विस्तार उत्तर से दक्षिण है। फिर अरावली श्रेणी, यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार दिल्ली से पालनपुर गुजरात तक है। अलवर में से हलसनाथ की पहाड़ियां तथा उदयपुर में जरगा की पहाड़ियां कहते हैं, जिसका स्थानीय नाम है मेवात पहाड़ियां। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, आबू पहाड़ियों में अवस्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी, भारत व नेपाल में स्थित यह पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट। इसका निर्माण टर्शरी युग में हुआ है। पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक विस्तृत यह पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। यह श्रृंखला जैव विविधता से संपन्न है। हाल ही में पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक, तो ये था हमारा प्रमुख एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणी। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में। ठीक,